हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करने आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आऊँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, जी हाँ बिहार बोर्ड, आप हाई स्कूल कर रहे हैं या फिर आप इंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए हाई स्कूल वालों का देखिए 2020 का ये पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैथ का पेपर है, ठीक है, मैथमेटिक्स से कहा जाता है, गणित का पेपर दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखिए विषय कोड की बात की जाए 210, मतलब कि 210 क्या है विषय कोड है। यदि इसके सेट कोड की बात की जाए, प्रश्न पत्र सेट कोड की, वो है जी। तो यहाँ देखिए 210G आपके ये कोड नंबर मिल जाएगा। और देखिए अलग अलग कोड के पेपर होते हैं और मैं सारे कोड के जो पेपर होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चैनल को, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और हम यदि पेपर लीक होता है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब से पेपर हैकर में आपको मिल जाता है। तो अभी चैनल को जो लाल बटन का आपको दिख रहा है नीचे, उस पर टच कर दिए और साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हाई स्कूल इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, आपका भाई बहन कोई भी है, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में है, किसी भी पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में जरूर बताना। हम फुल कंपटीशन कराते हैं आपकी, एक्चुअली आपके जो मैथ का पूरे की पूरा सिलेबस करा रहे हैं, जीव विज्ञान है, देखिए जितने भी आपके विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों के नोट्स भी हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर। आज के देखिए मैं आपको पहले बता दूंगा, कोचिंग पढ़ने की किसी से जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे सारी क्लास, ठीक है ना। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिए पूछ रहा है कि और मैथ की क्लास अभी चल रही है, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हाई स्कूल इंटर की वीडियो का, आप देख लीजिए। 2020 में, 2021 में आने वाली क्वेश्चन भी हम देंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बना है। तो देख लेते हैं, यहां देखिए सेक्शन बी और सेक्शन ए में दो में बांटा गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी में। यहां पूछा गया है भाई, देख लो नीचे, यहाँ कह रहे हैं प्रश्नों के आपको उत्तर देना है और ओआरएम पेपर दे रखा है भाई। ओएमआर सीट पे आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे यहाँ। उसके बाद में नीचे पहुंच जाते हैं सेक्शन बी में, कह रहा है सेक्शन बी में आपको 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में खंड बी में, इसके ही खंड में दीर्घ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, वो 5 नंबर का एक होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपको, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। आप देखिए यहाँ सेक्शन ए में पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सेक्शन ए में जब पहुंचते हैं तो सेक्शन ए में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपको करना है, 60 क्वेश्चन पूछे गए, 60 क्वेश्चनों में से आपको देखिए किन्हीं 50 क्वेश्चनों के आंसर देना है, 60 क्वेश्चन पूछे गए, 50 क्वेश्चन के आपको सही आंसर देना है, बाकी 10 को छोड़ देना है। तो यहाँ से मैं एक एक सही, आप देखो अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक है। 0 कॉट है 90 माइनस ए का मान क्या होता है, ठीक है ना, कॉट का क्या 10 ए होता है, बिल्कुल यही सब आपको यहाँ यहाँ आंसर के बारे में बताना है। तो मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूँ और फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर लगाते जाइए। और इसके पीडीएफ यदि चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस कुछ नहीं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, आपको कहीं से कहीं भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एग्जाम में आपको 100% 95% ला की बात करूंगा, 95% आपका एग्जाम में रिजल्ट रहने वाला है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए, पेपर हैकर आपका हमेशा साथ देगा।
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ठीक है ना।
हाय गाइस, तो आप समझ चुके होंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। कि कैसे क्वेश्चन आए ये तो पता चल गया कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, सारे बोर्ड के हम पेपर डालते हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। भाई का चैनल है यार, सपोर्ट करना है भरपूर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पूरी सहायता करूँगा, 100% आपकी सहायता करूँगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना बस यार। अब जानते हैं कि यहाँ भाई मासा पूछ रखा है। देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा भाई इतने का मासा क्या होगा, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे करेंगे। तो याद रखना, लास और मासा की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो 6, 8, 22। तो हम क्या करेंगे, इनमें से इनको घटा लेंगे, आपस में सबको घटा लो, आंसर निकल के आ जाएगा। लासा और मासा पूछ रहेगा इतने का अनुपात में लासा मासा, तो इनको क्या करेंगे आपस में घटा लो भाई। दो यहाँ दो बचेंगे, यहाँ 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, 14। ठीक है ना, 14 बचेंगे, समझ में आ रहा, 14 बचेंगे। और इनके दोनों का अंतर कितना रहने वाला है, इन दोनों का अंतर रहने वाला है 12। कितना रहने वाला है, तो 12 आपको पता है आपका निकल के आ जाएगा, तो 12 और 12 कितने से कट जाएगा। अब देखिए 12 है वो 6 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है ना, बड़ी संख्या से। और उसके बाद में इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो किस प्रकार, देखिए हम किस प्रकार निकालेंगे, 6, 8 और कितना है 22 है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो उस प्रकार निकाल सकते हैं। 2 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 का निकालूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई 11। ठीक है ना, उसके बाद में किस चीज़ से नहीं कट सकता, किसी भी चीज़ से ये चीज़ नहीं कट सकता। तो जो हमारा लासा क्या होगा भाई, लासा क्या होगा, तो आप लगा सकते हैं लासा जो होने वाला है वो इन सब की क्या होगा, गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, 11 चौक 44, 44 से हम क्या करेंगे, 44 के 3 गुणा करेंगे। ठीक है ना, 44 के साथ जब 3 की गुणा की जाएगी तो कितना आ जाएगा भाई, 44 के साथ जब 3 की गुणा की, सॉरी यहाँ 2 से, फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना बचेगा भाई, 2, मतलब कि ओनली कितना बचेंगे, दो, मतलब कितना बचेंगे, 4। तो यहाँ आपको 4 से गुणा करनी है। जब देखिए 11 3 33 की 4 से गुणा करनी है, तो 4 3 12 होता है, यहाँ से लेकर जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में 4 3 12 और 1 13 कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो लासा कितना आ जाएगा, 332। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 332 तो आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन नंबर राइट होगा, ए ऑप्शन नंबर राइट होगा। यदि हम मासा की बात करेंगे इसके, तो मासा किसी चीज़ से नहीं कटता है, ये देख सकते हो, बार बार कटेगा, मतलब कि ये क्या है, मासा काटेंगे तो किससे कटेगा, किसी चीज़ से नहीं कट, एक इसका क्या है, स्वपुरंग एक होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट रहने वाला है, तो बस आपको लगा देना ए राइट है। चलो सेक्शन नंबर बी में पहुँचते हैं, और सेक्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है। सेक्शन नंबर बी में जो पूछा गया है वो 15 क्वेश्चन आपको आंसर देना है भाई, 27 क्वेश्चन पूछे गए, 15 क्वेश्चन आंसर देना है। तो दो दो नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। बस आपके स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट, इन क्वेश्चनों को अपने बुक में जो भी आपके बुक है उसको क्या टिक लगा लेना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मैथ के सारे मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, पूरा एक एक एक्सरसाइज का एक एक सिलेबस, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और सारे के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चैनल के अपने लिंक दे दूंगा, और जो हाई स्कूल इंटर का चैनल है उसका हम लिंक दे दीजिए, वहां पे आपको मैथ ही मैथ मिलेगा टोटल। ठीक है ना, देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में इस पर टेक्स लगा दीजिए, देखिए 5 6 7 क्वेश्चन, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखिए ये, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे क्वेश्चनों के, इन सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चनों का आपको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे क्वेश्चनों के, स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लीजिए सारे क्वेश्चनों का आपको स्क्रीनशॉट। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारा 14वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता, ये देखिए ये ढूंढ लो अपने बुक में कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, 2019 का डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना कि 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों, क्योंकि भाई एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है ना, बाहर से कुछ नहीं आता, ये क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, 4 5 साल पुराने तक के क्वेश्चनों को देख लेना, सारे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए, उसके बाद में नीचे जाइए, इस क्वेश्चन पर टिक लगा लो फटाफट, और इस क्वेश्चन पर टिक लगा लो फटाफट, लगा लो फटाफट, लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इनके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो,
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 24 में क्वेश्चन देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके भी इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, 25 में, 26 में, 27 में सारे खत्म हो गए। इसमें से 15 क्वेश्चन करने थे, 27 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने थे आपको, देख लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन थे, और मैंने सारे के सारे ये चीज़ क्या है, हमारे सर जी ने सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैथ के सारे क्वेश्चनों का। चलो चलते हैं अब लॉन्ग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन करने हैं भाई, 4 क्वेश्चन करना है, वो कह रहा भाई 4 क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन करना है। तो फटाफट 28 में 29 में देख लीजिए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए 28 में क्वेश्चन ये देखिए, 29 में क्वेश्चन ये देख लीजिए, और 30 में क्वेश्चन ये देख लीजिए, ठीक है ना, उस 30 में क्वेश्चन ये देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नीचे चलता हूँ, देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, पढ़ते रहो और अपने बुक में देखते रहो। 34वां क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बस इस वीडियो का। आई होप मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई होगी बहुत ही ज़्यादा, तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और पेपर लीक हुआ ना तो सबसे पहले मिल जाता है आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पेपर है का, तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है ना। आपका भाई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी किसी में भी है, तो सारे के सारे हम पेपर अपलोड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलता है, तो बाय बाय, ठीक है ना।